नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को सौरभ क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये क्लास रीजनिंग का है और क्लास स्टार्ट करने से पहले जो न्यू स्टूडेंट है, जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को पूरी देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी, इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी, समानता व असमानता। तो इस टॉपिक में मैंने 4 वीडियो दे चुका हूं यूट्यूब पे। तो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले उन 4 वीडियो को देखें, क्योंकि उन 4 वीडियो में कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा तभी आपसे क्वेश्चंस बन पाएंगे। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले उन वीडियो को देखें। मैं उन सभी वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मैंने जो पीछे खत्म किए थे इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी में, तो उसमें मैंने साइन के बारे में बताया था, ग्रेटर देन, इज इक्वल्स टू, लेस देन, है ना, नॉट इज इक्वल्स टू, इन सभी का यूज किस तरह से किया जाता है, स्टेटमेंट के द्वारा एग्जामिनर किस तरह से कंफ्यूजन कर सकता है आपको एग्जामिनेशन में, तो उन सभी चीजों के बारे में मैंने डिटेल से डिस्कस किया था। इसके बाद मैंने डिस्कस किया था कि जो स्टेटमेंट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड, उन चीजों के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। नेक्स्ट मैंने डिस्कस किया था इधर और के बारे में, कि इधर और का यूज किस तरह से किया जा सकता है यहां पे। अब मैं उसी से आगे लेकर चल रहा हूं। तो यहां पे मैं अगर उससे आगे लेकर चलूं तो इधर और के बारे में मैंने यूज बताया था कि इधर और का यूज किस तरह से कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं आज कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल्स के तौर पे ले रहा हूं, कोई स्टेटमेंट ले रहा हूं यहाँ पे देखिए अगर कोई स्टेटमेंट है यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी लेस देन इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू डी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ई एंड लेस देन एफ, यह है कंक्लूजन, सॉरी स्टेटमेंट। और यहां पे कंक्लूजन को मैं ले रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिए, जो कंक्लूजन है यहां पे, कंक्लूजन नंबर ए, अगर मैं यहां पे ले रहा हूं कि ए ग्रेटर देन सी एंड कंक्लूजन नंबर बी सी लेस देन इज इक्वल्स टू ए, क्या यहां पे इधर और का यूज किया जा सकता है यहां पे? तो ध्यान से देखिए यहां पे कि ए और सी के बीच का जो रिलेशन है यहां पे, ए और सी के बीच एक एलिमेंट है वो है बी, और ए और सी के बीच में 3 साइन का यूज किया गया है, एक ग्रेटर देन और दूसरा लेस देन इज इक्वल्स टू, है ना। तो यहां पे अगर कंक्लूजन नंबर फर्स्ट को देखें तो फर्स्ट में क्या दे रहा है कि ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन सी दे रहा है। यहां पे जब ए ग्रेटर देन सी दे रहा है तो यहां पे ध्यान से देखिए कि क्या ए बड़ा है सी से, और सेकेंड कि सी लेस देन इज इक्वल्स टू ए, क्या सी ए से छोटा है या फिर बराबर है। यहां पे अगर हम देखें तो ए ग्रेटर देन बी और लेस देन इज इक्वल्स टू सी ये दिया गया है, तो क्या ए और सी के बीच में कोई रिलेशन पता चल रहा है डायरेक्ट? नहीं पता चल रहा है। यहां पे ए है वो सी के बराबर भी हो सकता है और जो ए है वो सी से बड़ा भी हो सकता है ना,
या फिर जो ए है वो सी से छोटा भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी है और यहाँ पे भी तीन साइन का यूज लिया गया है, ग्रेटर देन और लेस देन इज इक्वल्स टू। यहाँ पे बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है ए, और ए छोटा भी हो सकता है। तो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट को देखें तो ए ग्रेटर देन सी, यहां पे क्या दिया गया है कि ए है वो सी के सी से बड़ा है, बड़ा हो सकता है लेकिन कंफर्म हम नहीं बता सकते हैं कि यहां पे सी छोटा ही होगा या फिर जो ए है वो बड़ा ही होगा सी से। मतलब क्या है, ये पार्शियली रॉन्ग है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो सी लेस देन इज इक्वल्स टू ए है ना, सॉरी क्या है, सी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ए। क्या यहां पे जो सी है वो बड़ा है ए से या बराबर है, बता नहीं सकते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मतलब ये भी क्या है, पार्शली रॉन्ग है ना, और दोनों पार्शली रॉन्ग है और दोनों नेम क्या है, सेम है, और यहां पे तीनों साइन का भी यूज किया गया है। मतलब कि यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहां पे इधर इधर कंक्लूजन, इधर कंक्लूजन ए और बी फॉलोस है ना, इधर कंक्लूजन ए और बी फॉलो, दोनों फॉलो हो सकता है, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो सी नंबर, कंक्लूजन नंबर सी, यहां पे मैं ले रहा हूं कि ए ए ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू डी, और कंक्लूजन नंबर डी है कि ए लेस देन डी। क्या यहां पे इधर और का यूज किया जाएगा? यहां पे अगर हम ध्यान से देखें इन दोनों कंक्लूजन को तो इसमें क्या है कि ए ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू डी है ना, ए ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू डी कंक्लूजन नंबर सी, और डी में क्या है कि ए लेस देन डी। अगर यहां पे मैं देखे, यहां पर अगर देखे हम लोग तो ए और ए से लेकर डी तक के रिलेशन में, ए से लेकर डी तक के रिलेशन में क्या क्या है कि ए ग्रेटर देन बी लेस देन इज इक्वल्स टू सी और इज इक्वल्स टू डी। हमें जो रिलेशन देखना है वो ए से डी तक का देखना है, ए और डी के बीच का रिलेशन देखना है। यहां पे इसके बीच में ग्रेटर देन का भी यूज किया गया है, लेस देन का भी यूज किया गया है, और इज इक्वल्स टू का भी यूज किया गया है, तीनों साइन का यूज किया गया है, और इसके बीच में दो एलिमेंट्स हैं। तो हमें इन दोनों से मतलब नहीं है, हमें मतलब है ए और डी से, और इसके बीच में तीनों साइन का भी यूज किया गया है। अगर मैं इसे डिटेल्स अगर समझे तो यहां पे ए है और ये डी है, यहां पे तो ए और डी के बीच का जो भी रिलेशन होगा यहां पे, क्योंकि ये तो नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट बन रहा है, और नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट में जनरली क्या होता है कि प्रत्येक कंक्लूजन क्या होता है, पार्शली रॉन्ग होता है। पार्शली रॉन्ग मीन्स आधा सही और आधा गलत। तो यहां पे हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि जो ए होगा वो बड़ा ही होगा या फिर बराबर होगा, हो भी सकता है बराबर, ए बराबर हो सकता है डी से और ए छोटा भी हो सकता है डी से। यहां पे तीनों पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, बराबर का भी बन रहा है, ग्रेटर देन का भी बन रहा है और लेस देन का भी बन रहा है। तो यहां पे तीनों साइन का यूज किया गया है, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू और लेस देन, ए ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू डी, ए लेस देन इज इक्वल्स टू डी। ऑर्डर नॉट डिपेंड है ना, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर मैं इस पार्ट को देखूं, इस वाले पार्ट को, तो इसमें क्या है, ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर
डिफरेंट भी रहे बट नेम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। तो यहां पे क्या है कि ए ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू डी, क्या यहां पे ए बराबर लग रहा है या फिर ए बराबर लग रहा है डी के, हो भी सकता है, है ना। तो ये क्या होगा, पार्शली रॉन्ग होगा। ए लेस देन डी है यहां पे, तो ए लेस देन डी है, क्या यहां पे ए लेस देन डी कंफर्म है, है ना। कंफर्म नहीं बता सकते, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ये भी क्या है, पार्शली रॉन्ग है, है ना। तो इसका भी अगर आंसर हमें लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं यहां पे कि इधर इधर कंक्लूजन सी और डी फॉलोस, ये लिख सकते हैं यहां पे। तो ध्यान से देखिए कि किस तरह से इधर और का यूज किया जा सकता है, है ना। नेक्स्ट की तरफ अगर हम बढ़े तो देखिए यहां पे नेक्स्ट, कंक्लूजन नंबर ई, कंक्लूजन नंबर ई, कंक्लूजन नंबर ई है यहां पे कि सी ग्रेटर देन एफ, है ना। और यहां पे कंक्लूजन नंबर एफ है कि सी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एफ। ध्यान से देखिए इस कंक्लूजन को, यहां पे किसके बीच का रिलेशन है, सी और एफ के बीच का रिलेशन दिया गया है ना, यहां पे सी और एफ के बीच का रिलेशन दिया गया है। तो यहां पे सी और एफ के बीच अगर हम चले तो सी इज इक्वल्स टू डी ग्रेटर देन, सी इज इक्वल्स टू डी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ई एंड लेस देन एफ। क्या यहां पे जो C और F के बीच का रिलेशन है इसमें C बड़ा होगा F से या फिर C बराबर होगा F से। यहां पे अगर हम देखें तो जो C और F के बीच का रिलेशन होगा वो बराबर का भी हो सकता है, ग्रेटर देन का भी हो सकता है और लेस देन का भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। यहां पे तीनों पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि यहां पे सी बराबर ही होगा या फिर सी बड़ा ही होगा या फिर सी छोटा ही होगा। अगर मैं यहां पे देखें, यहां पे देखूं तो सी ग्रेटर देन एफ दिया गया, क्या सी यहां पे ग्रेटर देन एफ है, कंफर्म है, नहीं है, हो भी सकता है, है ना। सी ग्रेटर देन एफ हो भी सकता है, ये क्या है, पार्शली रॉन्ग है। नेक्स्ट, सी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एफ, सी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एफ, तो ग्रेटर देन के बारे में तो अभी हमने डिस्कस किया था कि यहां पे सी और एफ के बीच में ग्रेटर देन हो भी सकता है, इज इक्वल्स टू भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। कंफर्मेशन यहां पे नहीं बताया जा रहा है कि यहां पे सी बराबर ही होगा या फिर सी बड़ा ही होगा एफ से, है ना। तो ये भी क्या है, पार्शली रॉन्ग है। तो क्या यहां पे इधर और का यूज किया जाएगा, यहां पे इस कंक्लूजन में ई और एफ में इधर और का यूज, इधर और का यूज किया जाएगा, ई और एफ कंक्लूजन को देखें तो इसमें इधर और का यूज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहां पे सेम साइन रिपीट हुआ है, क्या रिपीट हुआ है, सेम साइन रिपीट हुआ है और वो सेम साइन है ग्रेटर देन,
हाँ कब यूज होता, अगर यही हो जाता यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका आंसर अगर लिखना होगा, है ना, अगर इसका आंसर लिखना होगा तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे आंसर नन फॉलोज। नन फॉलो मीन्स कोई फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहां पे नोट भी करके एक पॉइंट नोट कर लें कि व्हेन व्हेन सेम साइन आर रिपीटेड, व्हेन सेम साइन व्हेन सेम साइन आर रिपीटेड रिपीटेड बिटवीन बिटवीन टू इलेमेंट्स टू इलेमेंट्स, या फिर इसी को लिख सकते हैं टू नेम्स, व्हेन सेम साइन आर रिपीटेड व्हेन सेम साइन आर रिपीटेड बिटवीन टू इलेमेंट्स और टू नेम्स, देन देन नॉट यूज, और क्या यूज नहीं करेंगे यहां पे, ईदर और, तब हम ईदर और का यूज नहीं करेंगे। इन चीजों को ध्यान रख लें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए जो कंक्लूजन ई है और एफ है इसमें इधर और का यूज नहीं किया गया, क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन दो बार यूज किया गया। इस तरह से भी अगर होता, अगर इसी को ध्यान दीजिए यहां पे, अगर मैं यहीं पे इसे मिटा रहा हूं, यहां पे अगर होता लेस देन और लेस देन इज इक्वल्स टू, तब पर भी नन फॉलो होता। क्यों? क्योंकि यहां पे लेस देन दो बार यूज किया गया। इस तरह से भी अगर होता है यहां पे, इस तरह से भी होता कि ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू और लेस देन इज इक्वल्स टू, तब पर भी नन फॉलो होता, इधर और का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि यहां पे इज इक्वल्स टू दो बार आ रहा है दोनों के बीच में, है ना। तो दो बार आने का मतलब है कि वो इधर और फॉलो नहीं करेगा। दो बार का मतलब है कि, या फिर साइन एक बार आए या दो बार आए, मतलब तो वही रहेगा, है ना। तो इसलिए ध्यान रखिए कि जब भी कभी भी इधर और का यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि उन दोनों के बीच दोनों नेम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर डिपेंड नहीं होना, ऑर्डर नॉट डिपेंड, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, है ना। और दूसरी बात कि वो उस दोनों नेम के बीच में, दोनों एलिमेंट के बीच में तीनों साइन प्रेजेंट होनी चाहिए। और कहां पे इधर और का यूज नहीं होगा, इधर और का यूज अगर सेम साइन रिपीट हो रहा है, सेम साइन रिपीट मींस ग्रेटर देन दो बार आ गया, या फिर लेस देन दो बार आ गया, या इज इक्वल्स टू दो बार आ गया, इस स्थिति में इधर और का यूज नहीं होगा। तो इसीलिए इस पॉइंट को क्या करें, नोट कर लें। नेक्स्ट की तरफ अगर मैं यहां पे बढ़ूं, नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ अगर यहां देखें, तो नेक्स्ट कंक्लूजन क्या कर रहा है यहां पे, जी नंबर यहां पे है कि ए इज इक्वल्स टू ई, और एच नंबर है कि ए नॉट इज इक्वल्स टू ई। यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे ए और ई के बीच का रिलेशन बता रहा है,
तो क्या यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ए है जो ई के बराबर है? कंफर्म नहीं कर सकते हैं, हो भी सकता है ए बराबर भी हो सकता है ई का, ए बड़ा भी हो सकता है ई से और ए छोटा भी हो सकता है ई से, तीनों रिलेशन बन सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये क्या होगा, पार्शली रॉन्ग होगा। एच नंबर पे अगर आए तो यहाँ पे जो नॉट इज इक्वल्स टू है, तो नॉट इज इक्वल्स टू का मतलब होता है या तो ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन होगा। नॉट इज इक्वल्स टू का मतलब है या तो ए क्या होगा ई के बराबर, सॉरी ई से बड़ा भी हो सकता है या फिर ई से छोटा भी हो सकता है, इसका मतलब ये होगा। है ना, तो यहां पे देखिए कि तीनों साइन का यूज किया गया है, इज इक्वल्स टू भी है और नॉट इज इक्वल्स टू का मतलब ही होता है। ध्यान रख लीजिए यहां पे, नॉट इज इक्वल्स टू का मतलब होता है या तो ग्रेटर देन लेस देन, है ना। जब बराबर नहीं होगा तो या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, है ना। दो पॉसिबिलिटी यहां पे बन रहे हैं, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो यहां पे तीनों साइन प्रेजेंट हो रहे हैं, इज इक्वल्स टू भी है और ग्रेटर देन भी है और लेस देन भी है। तो क्या यहां पे ए है जो ई से बड़ा है, हो भी सकता है, छोटा भी हो सकता है, मतलब ये क्या है, पार्शली रॉन्ग है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इधर इधर कंक्लूजन, इधर कंक्लूजन जी और एच फॉलोस, ये हो जाएगा। अगर नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ अगर बढ़े तो देखिए नेक्स्ट कंक्लूजन क्या कर रहा है यहां पे, देखिए यहां पे कि बी कंक्लूजन नंबर आई क्या कर रहा है यहां पे, बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ई एंड जे नंबर है कि बी लेस देन इज इक्वल्स टू ई। यहां पे देखिए कि क्या इधर और का यूज होगा, इस कंक्लूजन में देखिए क्या इधर और का यूज होगा। तो कुछ देर पहले अभी मैंने बताया था कि सेम साइन अगर रिपीट होगा तब वहां पे इधर और का यूज नहीं होगा, है ना। तो यहां पे देखिए कि इज इक्वल्स टू कंक्लूजन नंबर आई में भी है और इज इक्वल्स टू कंक्लूजन नंबर जे में भी है, दोनों कंक्लूजन में इज इक्वल्स टू का यूज किया गया है, है ना। ये तो ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन है और यहाँ पे लेस देन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इज इक्वल्स टू दो बार आ रहा है ना। पार्शली रॉन्ग तो है लेकिन यहाँ पे इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, दोनों में आ रहा है। किसी एक में होता तब यहाँ पे इधर और का यूज हो जाता, लेकिन यहाँ पे दोनों कंक्लूजन में इज इक्वल्स टू का यूज किया गया है। तो ये क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट होगा यहां पे, इसमें नन फॉलो होगा, जो आंसर है यहां पे नन फॉलोस, नन फॉलोस। देखिए किस तरह से यहां पे इधर और का यूज किया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी क्वेश्चंस को बना रहे हैं, तो उसे बनाने से पहले किसी भी टॉपिक का उसके कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से पढ़िए, समझिए, कॉन्सेप्ट से जुड़े क्वेश्चंस को बनाइए। जब कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस सोल्व होने लगेंगे तब बाकी क्वेश्चंस भी सोल्व होने लगेंगे। तो कोई भी टॉपिक हो, इक्वालिटी इनइक्वालिटी हो, अल्फा न्यूमेरिक हो, कोई भी टॉपिक हो, रीजनिंग का सिटिंग अरेंजमेंट हो, पजल हो, ब्लड रिलेशन,
कोई भी टॉपिक अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसे पढ़ने से पहले, क्वेश्चन बनाने से पहले उस टॉपिक के पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़िए, कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस को ध्यान से बनाइए, फिर बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो जो जाने से पहले जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।